से पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें की है, अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है पार्टी यह जानना चाहती है। सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा तो। लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही, जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है तो स्वतंत्र हैं, जो भी एजेंसियाँ हैं कार्रवाई कर सकती है। और किसी न किसी रूप में जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जांच की जरूरत होगी तो जांच भी होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नोटिस भेजा गया है, कुछ संपत्ति आरोप करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के दो कार्यकर्ताओं ने उन पर आरोप लगाया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है और जवाब का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह सवाल स्पष्ट रूप से आरसीपी सिंह से पूछा कि अगर जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और पत्र भेजकर सवाल पूछा गया है तो जवाब का भी इंतज़ार करते हैं लोग। लेकिन यह सवाल था मीडिया के द्वारा कि क्या इसको लेकर जो है वो जांच एजेंसियां, कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं, क्या वो भी जांच करेगी? सीबीआई हो, ईडी हो या बिहार सरकार का जो निगरानी विभाग है वो भी है, तो क्या इन सब एजेंसियों से भी जांच कराया जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है स्पष्ट रूप से सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, तो क्या अब आरसीपी सिंह के घर पर सीबीआई का छापा पड़ेगा? सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है, अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें की है, अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कागज उपलब्ध कराए गए हैं, पहली बात कि ये कागज किसने उपलब्ध कराया? नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में। लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा तो। लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। नहीं, नहीं, लेकिन ये माना जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है जदयू में। देखिए, वो एक अलग सवाल है। यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग है। आप लोग भी जांच कराएंगे क्या इसकी?
किसी एजेंसी से जांच कराएंगे इसकी? जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत होगी जांच कराई जाएगी, पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है इसको तो देख लें। नहीं क्या अगर आप चाहेंगे इसमें जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे विंग्स हैं, तो सीबीआई है, ईडी है, आपका बिहार सरकार का ईओयू है, तो क्या जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो बहुत सारे सरकारी कर्मियों पर रेड होता है, छापा पड़ता है, तो क्या आप चाहेंगे कि पार्टी स्तर से न जाके विभिन्न एजेंसियां भी उनसे पूछताछ करें? देखिए कई मामलों में तो आप सब लोगों ने या हम सब लोगों ने देश भर के लोगों ने देखा है कि समय समय पे सुओ मोटो भी लोगों ने संज्ञान लिया है, तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही। जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है तो स्वतंत्र हैं, जो भी एजेंसियां हैं कार्रवाई कर सकती है, और किसी न किसी रूप में जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जाँच की जरूरत होगी तो जाँच भी होनी चाहिए, पार्टी कोई एजेंसी उस रूप में नहीं होती है ना कि पार्टी जांच कराने का, जो एजेंसी है उसके आधार पे पार्टी की जितनी भूमिका होगी उसमें कोई पार्टी कोताही नहीं करेगी।